गाइस अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपका जो स्ट्रगल ओपी है, इस चैनल का मालिक, वो थोड़ा मानसिक संतुलन हिल चुका है उसका। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है? बैक कैमरे से एक सेकंड, उसको हमने बंद करके रखा हुआ है एक जगह, मैं आपको दिखाता हूँ। देखा तो आप लोगों ने खुद ही देख लिया, ठीक है? कैसे मैंने पूरा खुद सो इसी के साथ हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है। सब चिल्ला दो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय गुरु। ये रे, करे पार्टी शुरू, करे। तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा लगा? बढ़िया। नाचने की जरूरत थी नहीं। कैसा लग रहा है? ये तो नींद में बुरी भाई, बस सो नहीं रहा। व्यू मस्त है भाई। तो अराउंड 70 किलोमीटर हो गए, अब थोड़ा रेस्ट देते हैं गाड़ी को भी और हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बाबा बहुत धीरे चला रहा है, मुझे चलानी पड़ेगी। सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? बाबा बहुत धीरे चला रहा है। सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? सर सर एक ऑटोग्राफ सर। अरे सर प्लीज सर, सर जाइए सर, सर सर। पहला टोल आ गया, अनदर वन। यार हम हर दिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे रहते हैं और टेंशन लेते रहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ था। इन सब के सोचने के बजाय अगर हम उन्हें प्रेजेंट में ध्यान दें और हर एक मोमेंट को एंजॉय करें तो लाइफ कितनी बेहतर होगी ना। खाने की चीज होती है क्या? बाल नीचे हो रहे तो मैं सेट करने हैं तो कुछ नहीं करता, बस चलते हाईवे में ये कर दो। आप अच्छे नीचे जा रहे? अरे मम्मी को, मम्मी पैदल, हाँ पैदल ही चलते, आप भी चलाओ, चलाओ आगरा ले चलो। हाँ हाँ तुम तीनों को इसकी बहुत जरूरत है। ओ जोक मारा भाई जोक। मम्मी ने कहा हमें ज्यादा जरूरत है आगरा की। Another one. पतोले पतोले पार्टी। भाई और कितना दूर है? 30 मिनट।
मैं अपना दिमाग खराब कर दिया, यू टर्न ले जाके तारे कहाँ ले जा रहा है, आर्मी कैंप, फिर इसके फोन में मैप लगा तो सही था ये वाला। हाँ मेरे ख्याल से ये अपडेट नहीं होगा इसलिए अबे नहीं होगा ना अपडेट फिर इसमें, क्या पता वहाँ से कोई। हाँ वही एयरफोर्स स्टेशन, क्या पता वहाँ पर हो पहले, अरे नहीं कोई रास्ता होगा। अरे तो भाई बहुत बेइज्जती हो गई है, 5 बज गया और सब एंट्री वगैरह बंद हो गई ताजमहल की, तो अब हम जा रहे हैं जो हमने एयरबीएनबी बुक कराया था, और ताजमहल शायद से कल सुबह घूमेंगे। क्या और कोई पॉइंट है? और कोई पॉइंट फिर वही है बर्ड सेंचुरी वगैरह, और कोई सनसेट पॉइंट है पर सूरज तो निकला नहीं, सनसेट क्या देखेंगे। एक फतेहपुर सीकरी पूछियो, फतेहपुर सीकरी सर्च मारी भाई, फतेहपुर सीकरी कितने बजे तक है? बुलंद दरवाजा, उसके टाइमिंग देख लो एक बार, पता कौन सी कर है वो, कौन सी जो सो जाए होटल में। ये एक बार बता रहा, बता रहा कौन सी थी। अरे सब 7.76 की एमो लगती है उसमें, पता है ये क्या होता है, गन की एमो होती है, और जो नाम नहीं पता बाय गन। तो डिसीजन में बना है कि हम आगरा पहले फोर्ट जाएंगे और ताजमहल जाएंगे सुबह, कैसी कही? तेरी कितनी भीड़ है भाई साहब, हमें लगा था हम बस, हमें लगा था हम बस 4-5 बंदे घूमेंगे। फाइनली एंट्री हो रही है और सुंदर लाइन आ गया वो। फाइनली गई कि गुद्दी पकड़ के हम इसको पार खाने लेके आ चुके हैं अबे आगरा फोर्ट। भाई मेंस टॉयलेट तो बहुत ज्यादा क्लीन है, वुमेन्स टॉयलेट क्लीन है? हां वो तो तू बताएगा ना। ये मेरे जोक कॉपी कर गया, अरे कॉपी नहीं सर, मतलब बातें बनाना अच्छी है ठीक है। हां तू क्या कह रहा था, राजा वाली बात? हाँ मैं कह रहा था यार, कभी तूने राजा के वो देखा है कमरा है ये वाला? हाँ। वो वाला कमरा है, ये वाला कमरा, कभी टॉयलेट देखा राजा का? नहीं नहीं, नहीं। तो राजा भी यहाँ खेतों में जाता था तभी घास उगी है। उस जमाने को कभी कितनी डिटेल्ड है हर एक चीज। ये जगह लाल पत्थर की बनी है, ये व्हाइट मार्बल की। कितने हजारों साल पुराना है, बट जो डिटेलिंग है ना दीवार में खतरनाक डू। वाह बाकी सब तो ठीक है, और ये अपना बच्चा कौन छोड़ के चले गया? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। दरवाजा खोलिए जी।
हामी मार देता है। बैठेगा बेटा कौन था? ओए अकबर का बेटा कौन था? क्या अकबर का बेटा? कार्टून नहीं, अच्छा फोटो खिंचाते हैं, पर हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देख अंदर गोला है बीबी की नहीं। अरे सुट्टा पड़, अरे भाई साहब, भाई साहब आपके हाथ क्या हुआ? मैंने भी दरअसल ताजमहल बनाया। मोए 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 मोए, बट ये तो आगरा फोर्ट है। क्या मोए मोए मोए, इसके अंदर क्या है? अंग्रेज भाई, found something mysterious, सीढ़ियाँ कहीं पर जा रही है, पर हमसे बंद कर रखा है। ये कुछ छुपाना चाह रहे हैं हम सबसे, ये कुछ छुपाना चाह रहे हैं। यहाँ से जाते हैं वहाँ कुएं तक, अंदर से नहीं, ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, सीढ़ियाँ जा रही है, ये वो गुफा मेरे का था ना, ये हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। ये देख रहे हो, यहाँ से ऐसे करके उधर जा रही होगी कहीं पर। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर एलियंस हमसे छुपाया जा रहा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। ये दरवाजे देखो कितने स्ट्रांग दरवाजे। हाँ हमें बंद कर दो। तो आगे आगे मैं पूछ रहा था, बहुत ज्यादा मजा आप जाने से एयरबीएनबी वहाँ रूम देखते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर सुबह आएंगे। एयरबीएनबी से भी बात हो गई, चलो चलते शुरू होता है हमारे एयरबीएनबी की। है एक मास्टर बेडरूम वाला कमरा है, मम्मी पापा का है, जिसमें कि यो मिरर, ये अटैच्ड वॉशरूम लाइक, ओके तो ये अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ से बाहर निकल के अगर हम लेंगे लिफ्ट तो ये है यहाँ का किचन, कॉमन किचन, और इसके बाद और ऊपर का है। इसके बाद अगला रूम है मेरा और वरुण का, यहाँ पर भी सेम मिरर, वॉशरूम सेम ही है, और अलमीरा, और सबसे ज़बरदस्त ये, ओह नाइस, ये किसी और का रूम है, हमारा नहीं है। और ये है पूरी बैल्कनी, मस्त सड़क, एक सेकेंड हटना, और नीचे अपनी कार पार्क। ये मार खाएगा, ये बाहर निकलवाएगा लोग। ये तो खेल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लाइट नहीं है। अरे क्रिकेट खेल सकते हैं, फ्लैश लाइट बढ़िया है भाई, टेरेस बढ़िया। क्या कुत्ता है क्या? अच्छा झूला झूला, भाई इनका पेट भी है, वो झूले के पल्ला आ सकता है कभी भी। अरे हाँ भाई, इनका इतना इतना बड़ा डॉग है इनके पास, इतना बड़ा क्या, उससे भी बड़ा। लेकिन यहाँ पे है गंदी चद्दर लग रही है भाई, रहने झूलों से ना हमारी कुछ ज़्यादा ही दिखा, मैं बता दूँ। एक बार क्या हुआ था, हम कहीं रुकने गए थे, बहुत पहले की बात है, हम शिरडी शिरडी हम तीन भाई बहन एकदम बैठे धड़ एकदम टूटा, उनके मालिक भागे, हम भागे अलग ही। तब हमें इतना नहीं हुआ करता जितना अभी है। मस्त है भाई, वेदर भी बहुत प्यारा हो रखा है। एयरबीएनबी मस्त है ना, प्राइस हिसाब से मस्त है एयरबीएनबी। तो अगर आगरा में आते हो तो यार मैं आ सकता हूँ, नाम तो नहीं पता ना, चल नीचे आगे बताऊंगा नाम। हाँ दिल्ली जितना ठंडा तो नहीं है, पर ठीक है वेदर अच्छा है, मस्त। अभी थकाने को पता भी नहीं चल रहा, सुबह टाइम कुकिंग स्किल्स दिखाई जा रही है, पीनट बटर सैंडविच एंड चिकन। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको व्लॉग पसंद आया डू पुट अ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।